খাজা মঈনুদ্দিন লড়েনু খাজা মঈনুদ্দিন সরকার শাহজি दीवान मस्तान के मैंने ख्वाजा साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान से कुछ रोशनी पड़ी। ख्वाजा साहब फरमो मेरे ख्वाजा साहब फरमाने मैं बताऊं क्या हुसैन मैं बताऊं क्या हुसैन मदीने शहर कचहरी लगती है अदालत लगती है जिथे जो मंगी वो मिल जाता है। शामल टुटदा टुटदा मदीने शहर पाक मुहम्मद मुस्तफा की कचहरी हाजिर हो गया नबिया के सुल्तान नबी शहजादे खेल रहे जिन्होंने रोन वाले प्यार भी बड़ा है और कैनात अज तक किसी को रोन दिते उस हस्ती का नाम इमाम हसन इमाम हुसैन कौन जनाब सलमान फारसी जिन्होंने सलमान मोहम्मदी के दी सलमान फारसी खड़े ने आख्या नाना सलमान ये पहला शख्स है जो मेरे नाने के दरबार हसदा है रोंदा निकलदे नहीं इत्थे तो दुनिया रोंदी होंदी हस्ती वापस जांदी नाना जी ने पूछो सलमान फारसी कौन बुलाया आख्या राही रोना क्यों पियो आख्या कि एडे वड्डे सखी ने आख्या तेरे मुकद्दर च जे तक औलाद नहीं लिखी मैं रोवां ते हसां जनाबे सलमान फारसी नूं जलाल आया जलाल जाके दोहां वीरां नूं इशारा करके आंदे ने राही कसम खुदा दी जहान अंदर ई जो भी कर दे कमाल कर दे कसम खुदा दी जहान अंदर ये जो भी कर दे कमाल कर दे ये बादशाही ने ये शहनशाही ने ये उजड़िया को बहार कर दे एक छोटे जे काम दी खातर तू कोल मोहम्मद दे गया क्यों में औलाद देवन या रिस्क देवन ये कम मोहम्मद दे बाल कर दे औलाद देवन या रिस्क देवन ये कम मोहम्मद दे बाल कर दे रहीम रोना क्यों ना पे फिक्र मत कर इमाम हुसैन बादशाह फरमाते ने राहिब फिक्र मत कर तू मेरे बाबा का हकदार है फिक्र मत कर तू मेरे बाबा का हकदार है जिसका पूरे जमाने में कोई ना हो उसका जहरा का बेटा मददगार है उसका जहरा का बेटा मददगार है राहिब 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 मौला हुसैन के हाथ जोड़ के अंदर रोना इस वजह से काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई काफी अरसा हुआ मेरी शादी हुई अब तक मैंने औलाद पाई नहीं कोई हिकमत की तहलीज ऐसी नहीं जिसकी जंजीर मैंने हिलाई नहीं कोई हिकमत की तहलीज ऐसी नहीं जिसकी जंजीर मैंने हिलाई नहीं आपके पाक नाना ने फरमा दिया हक ने तेरी औलाद बनाई नहीं अब ना रोऊं तो भला फिर मैं क्या करूं किबरिया तक तो मेरी रसाई नहीं मौला हुसैन बादशाह ने फिक्र मत कर जाग नाना जी अर्ज की या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह राही रोंदा है ये रोवे ना आख्या हुसैन मैं अगे भी लोहे महफूज का मुताला किया राही दी मुकद्दरा च औलाद हज़रत तक लिखी गई हाथ जोड़ कहते ने नाना जी एक गल दसो लिखता कौन आप ही तो लिखने वाले हो आख्या मौला अगर जिद मुकद्दरा च नहीं लिखी इसके गम आसमाना की तहलीज को बाबे दा हक बनाने पे मैं तुल गया इसके गम आसमाना की तहलीज को बाबे दा हक बनाने पे मैं तुल गया इसके आंसू गवारा नहीं है मुझे इसकी डिगड़ी बनाने पे मैं तुल गया इसकी किस्मत में नाना जी इसकी किस्मत में घर एक बेटा नहीं सात बेटे दलाने पे मैं तुल गया जो ये गल की इमाम
पाक मोहम्मद मुस्तफा अगे इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने की थी। पाक मोहम्मद मुस्तफा फरमाते ने हुसैन जिस्सा मेरे मालिक की मर्जी अल्लाह अल्लाह तैयार करके मौला फरमाते ने मेरा तुझ पे जो हक है तुझे उस हक की कसम मेरे हक से इसे दौलत शान दे तेरी हाथर मैं दूंगा औलाद कभी आज मेरी हाथर तू इसे औलाद दे। जिसके रूप बनू बने वो पांच गवाह।